बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नवोत्तम लोडी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बताया कि कर्नाटक में देर रात जो कुछ भी हुआ वो संवैधानिक सिद्धांतों के अगर हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा खराब, आप इसे कह सकते हैं। सियासत के अंदर वैसे तो इस तरीके की उठापटक हमेशा चलती रहती है। बहुजन समाज पार्टी ने भी पहली बार उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से बसपा समाजवादी पार्टी की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ कई दिनों से, जो 23 मई को रिजल्ट आए थे लोकसभा के, उसके बाद से ही कर्नाटक में अपनी सरकार बनाना चाहती थी और गठबंधन की, कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार को किसी भी तरीके से गेंद के कारण गिराना चाहती थी। लेकिन इन सब के बीच में जो कुछ हुआ वो बहुत ज्यादा खराब इसलिए है क्योंकि बहुजन समाज के लिए ये काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक एन महेश को कल देर रात पार्टी की अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। उन्होंने अनुशासनहीनता ये की कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको आदेश दिया था कि आपको फ्लोर टेस्ट के दौरान कुमार स्वामी के सरकार के साथ वहां पर खड़े रहना है, लेकिन एन महेश वहां पर नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि सबसे पहले ये खबरें हमने ही चलाई थी, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही होती है कि जब हम सबसे पहले और तेज जल्दी खबर दिखा देते हैं तो हमारे कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये फेक न्यूज है या गलत है या बीएसपी के अंगेस्ट है या किसी पार्टी के। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं होता, जबकि हमारी सबसे बड़ी यही खूबी होती है कि किसी भी तरीके से करके सच्चाई और बड़ी खबर जो होती है वो सबसे पहले हम दिखाएं। तो आपको बता दें कि इस मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एन महेश अब क्या करेंगे। सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा गर्म है कि एन महेश अब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी में उनको बड़ा पद मिल सकता है। आपको बता दें कि अगर बसपा उनको निष्कासित नहीं करती और उसके बावजूद अगर वो बीजेपी में जाते तो उनके लिए मुश्किलें खड़े होती और उनको दल बदल कानून के तहत उनको पार्टी से उनकी सदस्यता है वो विधायकी रद्द हो जाती। लेकिन अब पार्टी की तरफ से उनको निष्कासित कर दिया गया है तो इस वजह से वो सीधा बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं और बीजेपी के साथ अपनी आगे की रणनीति बना सकते हैं। कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि उनको बड़ा पद है वो दिया जाएगा बीजेपी के अंदर, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। कई लोग ये कह रहे हैं कि कुमार स्वामी की सरकार से वो नाराज थे, इस वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया है। हालांकि ये सब उन्होंने किस लिए किया, क्यों किया और आगे का उनका क्या रणनीति आंदोलन होगी ये देखना उस समय दिलचस्प होगा जब वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन अपने आप में ये दिलचस्प ये है कि कुमार स्वामी की सरकार को आखिर एन महेश समर्थन देना क्यों नहीं चाहते। आपको बताया कि शिक्षा मंत्री बनाने के उनको एक महीने बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उस समय भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री उनको बनाया गया था कर्नाटक की सरकार में कुमार स्वामी की बनते ही, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। तब से ये खबरें लगाई जा रही थी कि क्या बसपा कुमार स्वामी की सरकार के साथ खड़ी रहेगी, लेकिन इतने दिन फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ और फ्लोर टेस्ट जैसे ही हुआ तो बसपा का ये विधायक अपनी पार्टी की आदेश को छोड़कर अपने हिसाब से उन्होंने कुमार स्वामी की सरकार को समर्थन नहीं देने का फैसला बना लिया था। ये खबर हमने आपको चार दिन पहले ही दिखा दी थी लेकिन कि आखिर बसपा का विधायक क्या कुछ करने वाला है। लेकिन उस समय भी कुछ लोगों ने ये माना कि हम लोग है वो खबर झूठी दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र विधायक था एन महेश कुमार और उन्हीं की बदौलत काफी कुछ बहुजन समाज पार्टी का कर्नाटक के अंदर था। अब महेश कुमार क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी में जाएंगे या बीजेपी उनको बड़ा पद देगी या फिर बहुजन समाज पार्टी के निष्कासन के बावजूद भी वो बहुजन समाज के साथ खड़े रहेंगे। अगला उनका क्या कदम होगा ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि मानेवर का साहब काशीराम के समय से महेश कुमार अन्ना पार्टी से जुड़े हुए थे। एपीवी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट बैंगलोर। नई खबर और नई अपडेट के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।